Hey guys, तो अगर आप बाथरूम में अपनी सैनिटरी फिटिंग्स को बदलना जा रहे हैं या फिर आप अपने घर के अंदर इंटीरियर रेनोवेट कर रहे हैं या बाथरूम को रेनोवेट कर रहे हैं और आपने सोचा चलो यार बाथरूम फिटिंग्स को नया कर दिया जाए, नया बदल दिया जाए, तो सबसे पहले आपके मन में जो ख्याल आने वाला है वो ये आने वाला है कि यार बाथरूम जो सैनिटरी फिटिंग्स है वो ब्रांडेड लाए कि नॉन ब्रांडेड लाए। क्योंकि अगर हम रेट की सिर्फ बात करें तो जो ब्रांडिंग, फॉर एग्जांपल अगर हम एक टैप की बात करें तो अगर ब्रांडेड में जाएंगे तो वो एक टैप 1000 रुपये की है और नॉन ब्रांडेड में वही टैप 300 रुपये की। तो ऐसा क्या फ़र्क है? कहीं ये तो नहीं है नॉन ब्रांडेड बिल्कुल घटिया माल है? डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये आपको वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड दोनों ही बढ़िया होती है, लेकिन उनके फायदे और नुकसान क्या क्या है। दूसरी, मैं आपको लिस्ट दूंगा कि अगर आपने अपने घर में प्लम्बर बुलाया है और आप उससे जब वो कहते हो कि यार मेरे को मटेरियल लिखवा दे मार्केट से, तुम्हें क्या क्या मटेरियल चाहिए, तो आपके कम से कम 5 से 6 चक्कर लगवा देते। तो मैं आपको पूरी लिस्ट यहीं दे दूंगा जिससे कि आपको मार्केट के बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, सिर्फ 2 चक्कर लगाने पड़ेंगे। वो भी इसलिए क्योंकि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो फिटिंग्स लगने के या लगते टाइम पे ही पता चलता है कि वो कौन सा एग्जैक्ट चाहिए। तो 2 राउंड तो डेफिनेटली आपके लगेंगे, नहीं तो फिर पूरा आप अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो विद मटेरियल भी दे सकते हैं। और जो एक मैं टिप दूंगा आपको फाइनली लास्ट में वीडियो में, वो ये होगी कि अगर आप नॉन ब्रांडेड खरीदने जा रहे हैं तो नॉन ब्रांडेड में कैसे सेलेक्ट करना है कि जो मटेरियल है वो अच्छी क्वालिटी का है, बेस्ट ऑफ बेस्ट है सबसे ज़्यादा। जैसे क्योंकि मार्केट में कई लोग ऐसे भी हैं जो तैयार बैठे हैं आपको चीट या स्कैम करने के लिए, जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पैसे डूबने वाले हैं, खराब हो जाए, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको तो बस उनको तो बस माल बेचना है आपको किसी भी तरीके से। दूसरा, मैं आप लोगों से सॉरी मांगना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा मेल कर रहे हो और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बट मैं और मेरी टीम को, आपको पता है पेंडेमिक चल रहा है, इतना जल्दी एक्सेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो पा रहा है। तो अगर मैं आपको लेट रिप्लाई कर रहा हूँ या आप तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ तो कुछ ना कुछ कोई रीज़न होगा, तो उसके लिए मैं आपसे दिल से सॉरी मांगता हूँ। आप डोंट वरी, मैं आपके हर मेल का रिप्लाई दूंगा, ये मेरी कमिटमेंट है और ये मेरा आपसे वादा है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इंटीरियर कोच पे और मैं हूँ आपका इंटीरियर कोच एंड इंटीरियर बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिज़ाइन की। देखो, चाहे आप ब्रांडेड ले लो चाहे नॉन ब्रांड ले लो, चाहे वो WC हो या टैप हो या वॉश बेसिन हो, डिज़ाइन की कोई कमी नहीं है, जबकि आपको नॉन ब्रांडेड में ही ज़्यादा डिज़ाइन मिल जाएंगे ब्रांडेड के मुकाबले। तो ये अगर आप ये सोच रहे हो कि डिज़ाइन की अवेलेबिलिटी कम है, ऐसा कुछ नहीं है। नॉन ब्रांडेड में 1 लाख डिज़ाइन होंगे तो ब्रांडेड में करीब 10,000 ही होंगे, तो डिज़ाइन की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। दूसरा जो फैक्टर होता है वो ये होता है कॉम्पोजिशन, जो इसके प्राइस को डिसाइड करता है। कॉम्पोजिशन का मतलब हो गया कि वो बना किस चीज़ से है। फॉर एग्जाम्पल WC है वो प्रॉपर चाइना वेयर उसी से बनी है या नहीं है, जो टैप है उसमें प्रॉपर ब्रास जो मटेरियल मेन यूज़ होता है वो है या नहीं है। तो देखो, आप ब्रांडेड में जाओ या नॉन ब्रांडेड में जाओ, दोनों में ही जो ब्रास है वो होता है, कुछ कंपनीज को छोड़ के या कुछ वो रिटेलर्स को छोड़ के जो घटिया माल बनाते हैं। तो ब्रास की आप चिंता मत लो, उसमें वो प्रॉपर होता है। कुछ एक कंपोजिशन है जिसका फ़र्क होता है, जो आपको जानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि इसमें रेशो क्या है, इसमें केमिकल क्या डला है नहीं डला है, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहे ब्रांडेड लगाओ चाहे नॉन ब्रांडेड लगाओ, दोनों की लाइफ सेम होती है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं करीब 1000 से ऊपर साइट कर चुका हूँ, जिसमें छोटी बड़ी सारी साइट इंक्लूडेड है, जिसके अंदर मैंने ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड सब लगाया और मुझे वहाँ से आज तक कोई कंप्लेंट आई नहीं है। और अगर आई है तो दोनों ने अपनी सर्विस बखूबी दिखाई है, वो भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कैसे। तीसरी जो चीज़ आती है, जो अक्सर लोग मुझे कहते हैं, जो उनको एक मिथ बना हुआ है कि ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड में जो उन्हें लगता है कि यार ये फ़र्क होगा, सबसे पहले आप फोटो देखो। अब ये फोटो आप देखी, इसमें सबसे पहले लोगों को मिथ ये लगता है कि ब्रांडेड में जो ये सॉल्ट का लेयर ऊपर चढ़ गया है, जो ये थोड़ा जंग जैसा दिखाई देता है या रस जैसा दिखाई देता है, ये ब्रांडेड में नहीं आता। तो अगेन मैं क्लियर कर दूं, जो गारंटी वारंटी जो आपको कहते आगे बताऊंगा वो ये है कि जो गारंटी और वारंटी जो होती है वो चाहे आप हिंडवे, जैगुआर, सरा या किसी भी ब्रांड में चले जाओ या नॉन ब्रांड जाओ, वो हमेशा उसकी इंटरनल फिटिंग का देता है। कभी भी कोई भी मैन्युफैक्चरर आपको क्रोम फिनिश की गारंटी वारंटी नहीं देता, क्योंकि अगर आपके यहाँ पे सॉल्ट वाटर है तो ये डेफिनेटली चाहे आप ब्रांडेड लगाओ नॉन ब्रांडेड लगाओ ये उसके ऊपर आएगा ही आएगा। तो इसमें कभी भी इस चीज़ को क्लियर रखो कि अगर आप ब्रांडेड या नॉन ब्रांडेड लगाने जा रहे हो तो ये नहीं आएगा, ये दोनों में आता है। ये डिपेंड करता है कि आपका जो पानी आ रहा है, जो आपको पानी मिल रहा है, उसमें कितना सॉल्ट है, कितना आयरन है, वो सब उस पर डिपेंड करता है। तो ये मिथ आप हटा दीजिए। और साथ के साथ मैं आपको वो एक टिप भी बताऊंगा जिसमें सिर्फ, क्योंकि आपने कई बार अगर होममेड वीडियोस में देखा होगा उसमें आपको दिखाते हैं कि विनेगर, बेकिंग सोडा और लेमन का ये पेस्ट बनाओ और टैप्स पे लगाओ तो बिल्कुल नहीं हो जाती है। तो डोंट वरी, मैं आपको एक ऐसा मटेरियल बताऊंगा, क्योंकि हम इंडियंस बाय प्रोफेशन थोड़े जुगाड़ू होते हैं, तो हमने मार्केट में एक ऐसा केमिकल ढूंढा जो सिर्फ 30 रुपीज़ का है, वो आपको लेना है, उस पर एक बार स्प्रे करना, जस्ट लाइक कॉलिन जैसे हम यूज़ करते हैं शीशे के लिए या किसी चीज़ को चमकाने के लिए, उसकी शाइन को बरकरार रखने के लिए आपको स्प्रे उस टैप पे मारना है, छोड़ देना है 15 मिनट बाद,
से पानी मारना और खत्म। 6 महीने तक आपकी जो फिटिंग्स है वो बिल्कुल वापस नहीं हो जाएंगी। अब चौथा जो पॉइंट आता है वो होता है प्राइस, कि किसी ब्रांडेड का इतना प्राइस हाई क्यों है। क्यों, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई आप WC लेते हो, जो हमारा कमोड जिसे हम बोलते हैं, अगर हम उसे लेते हैं, उसकी जो नॉर्मल अगर हम वन पीस की मैं बात करूँ, फोटो में देख सकते हो, तो उसकी जो प्राइसिंग है वो 4,000 से 5,500 में बहुत अच्छी डिज़ाइन में परफेक्ट वाली आपको मिल जाती है। वहीं अगर आप ब्रांड में जाओगे तो वही सेम WC आपको 9, 10, 11, 12 और कोई अनलिमिट नहीं है, कितना भी ऊपर आप जा सकते हैं। तो अब फ़र्क क्या है इनमें, क्यों इसका इतना प्राइस इतना हाई है, इतना लो है? देखो, अगर आप ब्रांडेड में जाते हो तो उसका फ़ायदा सिर्फ एक है, मटेरियल कंपोजिशन दोनों का सेम है। जो मेन फ़ायदा है वो ये है कि आपको वो जो भरोसा, वो ट्रस्ट देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी किसी टैप में या किसी भी चीज़ में कोई इशू आ रहा है, तो आपको सिर्फ एक कॉल करना है और उनका जो कस्टमर सर्विस है वो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होगा, और आपको जो उनकी तरफ से एम्प्लॉय है वो विद इन 2 डेज में आ जाएगा और आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्यूशन दे के जाएगा। जबकि नॉन ब्रांडेड में ऐसा नहीं होता है, उसमें कोई गारंटी वारंटी होती है। लेकिन जो ब्रांडेड से मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा उसमें जो एक प्लस पॉइंट है वो ये है कि आप किसी भी रिटेलर से खरीदोगे तो उसका कहना सिंपल एक होगा, कोई भी इशू आएगा मटेरियल लेके आओ, मेरे को दो, मैं इसको रिप्लेस करके दूंगा, जो कि एक सच बात है। अगर वो ऐसा बोल रहा है तो वो झूठ नहीं है, क्योंकि ऐसा हमने कई बार रिप्लेस कराया है। नॉन ब्रांडेड में ये भी फ़ायदा भी हो, एक तरीके से फ़ायदा है। लेकिन इसमें एक छोटी सी टिप मैं देना चाहूँगा, क्योंकि अगर आपका बहुत ज़्यादा मटेरियल है तब तो आप जैसे दिल्ली में चावड़ी बाज़ार है या कोई बड़े अगर आप जो होलसेलर है वहाँ से ख़रीदना, तो आपको रेट तो करीब 80% ऑफ मिल जाएगा, ये फैक्ट है। क्योंकि जो बिल्डर फ्लोर आप देख रहे होंगे आजकल बन रहे हैं, वो बिल्डर फ्लोर में सारा मटेरियल यहीं से लगता है, तो उनको जो डिस्काउंट है वो हैवी डिस्काउंट मिलता है। तो अगर आपके 2 फ्लोर का घर है और उसमें अगर 3 या 4 बाथरूम है तो डेफिनेटली आप मटेरियल वहीं से लो, जिससे फ़ायदा क्या होगा, रेट तो बहुत ही सस्ते मिल जाएंगे। लेकिन अगेन आपको जाना वहीं पड़ेगा, तो इसलिए कोशिश कीजिए कि अगर नॉन ब्रांडेड ले रहे हैं तो आप अपने किसी थोड़े आसपास के एरिया से लें, अगर आपका ज़्यादा मटेरियल नहीं है। क्योंकि अगर आपका आना जाना फ्रेट किराया वो उतना ही लग जाता है, घूम फिर के बात वहीं आ जाती है कि जितना आपने बचाया उतने में तो आप कुछ और ले लेते। तो कोशिश कीजिए आप थोड़े आसपास के एरिया लिए अगर आपका कम मटेरियल है तो, जिससे आपको इजीली रिटर्न करने में आसानी हो। लेकिन अगेन क्रोम फिनिश की कोई भी गारंटी वारंटी नहीं देता है, चाहे वो ब्रांडेड हो या नॉन ब्रांडेड हो। अब कुछ लोगों का ये भी कहना था जब हम क्लाइंट से मिलते हैं कि यार ठीक है आपने ब्रांडेड को तो इतना बताया कि यार नॉन ब्रांडेड ये अच्छा है या इसकी इतनी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन ब्रांडेड क्यों होना चाहिए? देखो दूसरी चीज़, ब्रांड अगर फिर भी आप ब्रांड में जाना चाहते हैं तो ब्रांड का एक फ़ायदा और होता है। ब्रांड का मतलब हो गया आपका स्टेटस सिंबल, कि अगर आप किसी घर में जाओगे आप देखोगे वाह यार सारे सेल्टी फिटिंग्स जैगवार की, हिंडवेयर की या सहरा की या और भी रोको कोटो बहुत सारी कंपनीज हैं इनके लिए हुए, तो उनका क्या होता है यार, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर एक आप ओप्पो वीवो का मोबाइल ले सकते हो या किसी और MI का मोबाइल ले सकते हो जिसके फीचर्स फुल फंक्शन हैं, सब कुछ वही आ रहा है, आपको पूरा काम करके दे रहे हैं, सब कुछ है, कैमरा भी है, स्क्रीन भी है, सब कुछ अच्छी चीज़ दे रहा है। लेकिन एक एप्पल भी है, वही सेम चीज़ें हैं, कुछ अलग तो उसमें नहीं है, जबकि वो 1 लाख 1.5 लाख का भी मोबाइल है। तो फ़र्क यही आता था कि ब्रांड का मतलब हो गया स्टेटस सिंबल। डिपेंड करता है आप क्या चाहते हैं, ये सारी आपके ऊपर है। मैं ये कहीं से नहीं कह रहा हूँ कि ब्रांडेड चीज़ बेकार है, सबके अपने फायदे नुकसान होते हैं। अब जो मेन पॉइंट आता है जो अक्सर लोगों ने मुझसे पूछा जब मैं क्लाइंट्स को बताता हूँ, वो होती है क्वालिटी, कि अगर हम नॉन ब्रांडेड में जा रहे हैं तो यार हम पता कैसे लगाएं कि नॉन ब्रांडेड में, यार कहीं हमने पता चला वो ले लिया। क्योंकि मैंने भी अपनी वीडियो में बोला है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका पैसा ख़राब हो रहा है या क्या हो रहा है उसके साथ, उन्हें तो बस सिंपल ये है कि अपना प्रॉफिट कमाएं। तो अब ये कैसे पता लगाएं, ये बहुत सिंपल सी ट्रिक है, कोई थंब रूल नहीं लगाना है इसमें या कुछ आपको वो केमिकल टेस्टिंग या कुछ और टेस्टिंग करनी है, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको सिंपली क्या करना है, मार्केट में जाना है, आपको उसको बोलना यार अच्छी क्वालिटी का मेरे को एक, फॉर एग्जांपल अगर आपको देखना है, देखो जो सैनिटरी फिटिंग्स हैं, मतलब कि WC जो वाइट चीज़ें होती हैं, सैनिटरी फिटिंग, वॉश बेसिन, ये दो आइटम जो जनरली होते हैं, इनमें कोई ऐसा नहीं देखना है। मेन आता है टैप्स के ऊपर, जैसे आपका वॉश बेसिन का मिक्सचर हो गया या शावर हो गया या टूटी या स्पाउट हो गया मिक्सचर हो गया, तो इसको कैसे चेक करना है, आपको सबसे पहले बोलना यार अच्छी क्वालिटी का मेरे को दिखा, कि मेरे को थोड़ा लाइफ अच्छी हो, बढ़िया हो, तो सबसे पहले आप वो मटेरियल देखो। ये नहीं बोलना आपको जाते कि मुझे सस्ता देखना है, नहीं नहीं सबसे सस्ता दिखा यार, इस रेंज का दिखा, रेंज नहीं बतानी, बढ़िया से बढ़िया बताओ। आपने वो लिया, अब ले यार एक मुझे वो भी दिखा, मेरा कोई दोस्त है कि उसको काफ़ी सस्ता चाहिए, उसका बजट बहुत है, तो सस्ते सस्ता दिखा देना, तो फिर आपको सबसे सस्ता दिखाएगा। और एक फिर आप उसको मतलब मीडियम रेंज का दिखाओ, तो उनका आपको हमेशा वेट देखना है, वेट किसका हैवी है, वेट से पता चल जाता है। क्योंकि जिंक की जो डेंसिटी है, अभी थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि तीनों में से बीच का जो है वो आपको चुन लेना है बिना सोचे समझे। जिसका वेट मीडियम होगा तीनों की क्वालिटी में से वो अच्छा होता है,
जो सबसे ज्यादा हैवी वाला होता है उसमें आपको प्रॉपर जाने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, आपको टैप लिया जो उसका वॉल्व होता है उसको खुल के अंदर से आपने देखा, जो अंदर वो लीवर घूमता है वो ब्रास का है, जनरली सारी चीज़ें ब्रास की ही होती हैं। तो मैंने आपको सारे इनके पॉइंट्स बता दिए। अब आखिरी में मैंने आपको ये लिस्ट दे रहा हूँ जिसमें आपको सारी वो लिस्ट मिल जाएगी, और मैं आपको दोनों के प्राइस भी बता रहा हूँ कि अगर आप ब्रांडेड में जाएंगे तो कितना प्राइस आएगा, नॉन ब्रांडेड में जाएंगे तो कितना प्राइस आएगा। तो जो एक बाथरूम की ब्रांडेड फिटिंग्स होगी उसकी जो प्राइस होगी वो ऑलमोस्ट अप्रॉक्स मिनिमम टू मिनिमम 40,000 के आसपास होगी, और जबकि नॉन ब्रांडेड की प्राइस एक बाथरूम की इंक्लूडिंग ऑल फिटिंग्स वो होगी करीब 20,000 से 22,000 के आसपास। और जिसका आपको बहुत देर से इंतजार था कि कौन सा केमिकल है जिससे आपके टैप एक बार में साफ हो जाएगी सिर्फ 30 रुपीज में, तो ये है वो प्रोडक्ट। और दूसरी चीज़ यार, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इसके लिए मैं आपसे कोई पैसे नहीं ले रहा हूँ, या ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट एक यार छोटा सा लाइक या सब्सक्राइब मुझे कर दोगे या शेयर करोगे या कमेंट करोगे तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ यार जो मैं बना रहा हूँ वो आप तक पहुँच रहा है और आपको अच्छा भी लगा है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। टिल देन, गुड बाय।